आपको फ्लॉप हीरो डीनू मौर्या और इंडस्ट्री में नई नई आई बिपाशा बसु की मूवी राज तो याद ही होगी, जो साल 2002 में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म के लिए लोगों ने डायरेक्टर विक्रम भट्ट को कई बार समझाया कि उन्हें ये फिल्म नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन स्टार्स ने इस फिल्म को पर्दे पर सुपरहिट बनाया, असल में वे इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे ही नहीं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आखिर हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि फिल्म राज को 20 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर विक्रम ने इससे जुड़े कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। विक्रम भट्ट बताते हैं कि जब वो ये फिल्म करने जा रहे थे तो सभी का कहना था कि वे गलती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले जो हॉरर फिल्में उन्होंने देखी थी उन्हें बी ग्रेड मूवी माना जाने लगा था। ऐसे में लोग ये सोच रहे थे कि वे भी कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। विक्रम ने आगे बताया कि एक बड़े प्रोड्यूसर उनके पास आए और बोले, क्या यार तू फ्लॉप हीरो और फिल्म अजनबी की वैम्प के साथ फिल्म बना रहा है। हालांकि विक्रम अपनी बात पर टिके रहे, फिल्म बनाई भी और पर्दे पर कामयाब भी हुई। डायरेक्टर ने आगे बात करते हुए ये खुलासा किया कि फिल्म में जिन्होंने बतौर लीड एक्टर रोल प्ले किया, असल में तो वे उनकी पहली चॉइस थे ही नहीं। दरअसल विक्रम ने सबसे पहले ये फिल्म अनिल कपूर को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने हॉरर फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वहीं जब बात आई हीरोइन की तो उसके लिए उन्होंने लीजा रे को चुना था, लेकिन फिर वो भी इस फिल्म को नहीं कर पाई। इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। हुआ यूं कि साल 2001 में आई फिल्म कसूर में लीसा के काम को देखने के बाद विक्रम काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म राज के लिए उन्हें चुना। यहाँ तक कि उनके साथ फिल्म के कुछ शॉट्स भी लिए गए, लेकिन फिर एक्ट्रेस को अपनी कुछ पर्सनल दिक्कतों के चलते फिल्म को छोड़ना पड़ा। फिर क्या था, विक्रम की कहानी थोड़ा आगे आकर फिर रुक गई थी। उनके पास हीरोइन नहीं थी और बिना हीरोइन के वे आगे कैसे बढ़ते। जिसके बाद डीनू उनके पास आए और कहा कि क्यों ना वे उनकी गर्लफ्रेंड बिपाशा को इस रोल के लिए ट्राई करें। हालांकि विक्रम ने इससे पहले बिपाशा का नाम सुना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने डीनू की बात मानते हुए बिपाशा को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म की पूरी स्टोरी बिपाशा को नरेट की, जिसे सुनते ही वो सोफे से गिर पड़ी। और यही वो मोमेंट था जब विक्रम को लगा कि अगर बिपाशा सिर्फ स्टोरी सुनकर गिर सकती हैं, तो फिल्म में संजना का रोल निभाने के लिए वो फिट बैठेंगी। भट्ट आगे बताते हैं कि ये फिल्म उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें हॉरर फिल्म बनाने के लिए राह दिखा दी, जो कि अब वो बना रहे हैं। डायरेक्टर बताते हैं कि जब यह फिल्म रिलीज के बाद पर्दे पर कमाल दिखा रही थी, तब महेश भट्ट ने उन्हें फोन किया और कहा, तेरी तकदीर जग रही है और तू सो रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह के 6 बजे हाउस फुल है। हालांकि विक्रम को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई गलती हुई होगी, लेकिन फिर फिल्म के सुपरहिट जाने की गूंज हर जगह उठने लगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।